हेलो एवरीवन, मेवाड़ ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर साफ सफाई हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ऑल इंडिया लेवल के अंदर एंड राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों को मद्देनज़र रखते हुए एक जो सेशन चलाया था उसी को अपन और आगे बढ़ाते हुए और आगे की तरफ क्लासों को कंडक्ट करते हुए, तो क्लास हमारी 232 नंबर की जो क्लास बनी है आरआरबी स्टाफ नर्स के लिए, और इसके साथ में बहुत सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हो। कहने का मतलब बहुत सारे एग्ज़ामों की दृष्टि से भी है इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बिना किसी डिले के आज का मैं पहला एमसीक्यू आप सभी के सामने डिलीवर करता हूँ। लास्ट सेशन का लास्ट एमसीक्यू था, तो एमसीक्यू ने क्या पूछा था आपको और क्या है इसका मेन, तो अपन पढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी क्लास को एक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो रग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, होके ना मायूस बैठ यूँ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी तेरे को और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो एक क्लाइंट इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एक पेशेंट है उसको क्या हुआ है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ है, इज अबाउट टू बी डिसफिब्रिलेटेड, और उसको डिफिब्रिलेटेड कर चुके हैं, मतलब डिसीज शॉक दे चुके हैं। ए नर्स नाउ दैट टू कन्वर्ट दिस रिदम इफेक्टिवली द मशीन शुड बी सेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी लेवल ऑफ द बेस्ट डिलीवरी। तो आप सभी को मैंने लास्ट एमसीक्यू मतलब लास्ट सेशन में भी ये चीज़ बताई थी कि जब भी कभी भी ऐसी कंडीशन आती है अपने सामने कि अपन ने क्या किया है कि शॉक डिलीवर कर चुके हैं अपन, ठीक है, तो उसके अंदर अपन को क्या करना है कि पहले अगर शॉक डिलीवर कर चुके हैं तो अपन एक सेट करते हैं, पहले 200 देते हैं, 200 जूल का करंट देते हैं, उसके बाद में अपन देते हैं यहाँ पे 360 जूल का। तो सीधा सा मेन अपने सामने ये निकल के आता है कि 200 जूल तो दे चुके हैं और उसके बाद में रिदम को अपन इफेक्टिवली कन्वर्ट करना चाहते हैं नॉर्मल रिदम में, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या देंगे, 360 जूल का करंट दिया जाएगा पेशेंट को। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया इस क्वेश्चन का मतलब, कुछ नहीं पूछा है इसने, ये पूछा है सिर्फ ओनली फॉर द वेंट्रिकल का जो फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, फिब्रिलेशन मतलब जो वेंट्रिकल है हार्ट का वो यहां पे फिब्रिलेट मतलब जल्दी जल्दी वर्क कर रहा है, कहने का मतलब टेकिकार्डिया वाली कंडीशन उसके अंदर देखने को मिल रही है, तो उसको कम करने के लिए रिदम जो है बढ़ जाती है अगर, ठीक है, एक होती है रेट एक होती है रिदम, तो रिदम अगर बढ़ जाती है किसी पेशेंट की, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए अपन एक डीसी देते हैं, डीसी को मतलब डिफिब्रिलेटर शॉक, ठीक है, तो वो देने से क्या होता है कि यहाँ पे रेट जो है उसकी वापस नॉर्मल रेट में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है, उसको नॉर्मल रेट में कन्वर्ट करने के लिए ही अपन यहाँ पे डीसी देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे डी निकल के आ रहा है। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू आप सभी के सामने धमाकेदार ज़बरदस्त मगर मस्त। तो पहला ही एमसीक्यू है आज का हमारा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन बताना है आपको। पांच ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे और कूट में दे रखा है आंसर। तो पहला यहाँ पे है ऑप्शन, क्या कह रहा है आपको कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बेबी, फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बेबी, फिर दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द फिटस, फिर लिखा है मेक ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड बेबी, एंड प्लेसेंटा इज ए हीमोकोरियल ऑर्गन और प्रोवाइड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी टू फिटस। अब बताओ आप जल्दी से राइट आंसर इसका क्या होगा, क्या ए बी सी डी राइट है इसमें, ए बी सी और ई राइट है, और ए बी डी और ई राइट है, या सारे ही राइट है। तो ऑप्शन है चार आप सभी के सामने ये वाले, और आपको एक आंसर देना है यहाँ पे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहला है यहाँ पे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के फंक्शन बताने हैं। तो प्लेसेंटा क्या है, एक प्रकार की एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, डेसिडुआ बेसिलिस और कोरियोनिक फ्रंडोसम से बनती है प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा किससे जुड़ी रहती है, मदर से, एक तरफ से तो यह जुड़ी रहती है मदर से जुड़ी रहती है इस प्रकार से, ठीक है, और मदर से जुड़ने के बाद में ये बेबी की तरफ जाती है, और ये आपका छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा टुटू, और टुटू के अंदर जाती है, और इसमें जो होती है वन तो होती है वेन, क्या होती है, एक वेन होती है, और टू होती है आर्टरी,
टू होती है आर्टरी, और वन वेन और टू आर्टरी से याद रख लेना आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरी जो होती है आर्टरी और वेन, और वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन सा ब्लड करती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और आर्टरी जो होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और वेन का काम है प्लेसेंटा से फिटस तक ब्लड लेके जाना, ठीक है, और वो ऑक्सीजनेटेड होता है जो फिटस को ब्लड सप्लाई होती है। और आर्टरी का काम क्या है कि फिटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा में यहाँ पे प्यूरीफाई होने के लिए लाना, ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो इतनी सी बात समझ में आ गई। अगली बात ये है अपने सामने निकल के आती है कि प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, तो प्लेसेंटा का वेट होता है एट टर्म पर 500 ग्राम। 500 ग्राम तो होता है प्लेसेंटा का वेट, और फीटस का वेट होता है यहाँ पे 3000 ग्राम, 3000 ग्राम, और इसी को अपन बोलते हैं 3 kg। अब इसका जो है अपने सामने अगर मान लो क्वेश्चन पूछे कि प्लेसेंटा और फीटस का रेशियो बताओ, वेट का रेशियो बताओ, तो वेट का रेशियो आप किस प्रकार से बताओगे, कि या आप इस प्रकार से अगर काटोगे, ये 2 0 से 2 0 कट गए, अब 5 और 30 बचा है, तो ये 1:6 में आएगा। कितना अनुपात में आएगा, 1:6, ये प्लेसेंटा और फीटस का रेशियो है। इतनी सी बात समझ में आई प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बात है कि प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो लेंथ पूछते हैं आपको 45 से लेकर आपको बताना है 50 सेंटीमीटर। क्या बताना है, 50 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर किसकी लेंथ होती है, प्लेसेंटा और या फिटस के बीच में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसकी लेंथ होती है वार्टन्स जेली की बनी होती है। किसकी बनी होती है, वार्टन्स जेली की ये लेयर बनी होती है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको रट लेनी है दिमाग में। एक एक क्वेश्चन बनेगा और थ्योरी से ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा पूछा है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू बेबी। अब प्लेसेंटा का फंक्शन है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बेबी को, बिल्कुल प्रोवाइड करता है, ये राइट आंसर है। प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द फीटस, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन दोनों को मतलब कैरी करता है। तो प्लेसेंटा के फंक्शन की मैं बात करूँ तो ये ऑक्सीजनेशन का काम भी करता है, गैसेस एक्सचेंज का काम भी करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ब्लड भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर है अपने पास में तीसरा चीज़ निकल के आती है कि मेक ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड बेबी। तो मदर एंड बेबी के बीच में जो कनेक्शन बना रहा है क्या वो प्लेसेंटा बना रहा है। फिर दूसरी बात देखो, प्लेसेंटा इज ए हेमोकोरियल, तो यस सही बात है। एक तो प्लेसेंटा हेमोकोरियल होता है, मतलब ब्लड होता है इसके अंदर, एक होता है ये डिस्कोइड होता है, ठीक है, एक होता है डेसिडुएट, मतलब ये एक टाइम के बाद में जड़ जाता है। इसका टाइम ड्यूरेशन एक सा नहीं है कि लाइफ टाइम ये रहेगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा 9 मंथ के बाद में जब डिलीवरी होगी बेबी की, उसके बाद में प्लेसेंटा भी निकल के मातारम से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है, हेमोकोरियल भी होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, आईजीजी। ये कितनी ही बार मैंने बताया क्लासों में कि आईजीजी जो इम्यूनिटी है वो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी होती है, और ये आती है माँ से बच्चे में आती है थ्रू द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा ये काम भी करता है, तो प्लेसेंटा हेमोकोरियल भी होता है और प्लेसेंटा ये भी काम करता है। लेकिन 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 अभी मैंने आपको बताया कि ये सी जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसका काम क्या है कि मेक ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड बेबी। ये कनेक्शन जो मदर और बेबी के बीच में बनाता है ये प्लेसेंटा नहीं बनाता है, ये बनाती है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये आंसर बाहर हो गया, मतलब ए बी डी और ई कहाँ ऑप्शन में मिल रहे हैं आपको, ए बी डी और ई, तो ए बी सी को बाहर कर दो, सी जहाँ जहाँ भी है उसको बाहर कर दो, ऑप्शन को सी सी जहाँ पे भी दिख रहा है आपको उसको आप बाहर कर दो, तो बचा एक ही ऑप्शन है अपने पास में सी, तो ये सी ऑप्शन राइट है अपना, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्लेसेंटा का, और प्लेसेंटा का क्वेश्चन बार बार आता है। एक चीज़ और प्लेसेंटा की ध्यान रखना, एक होता है इंट्राविलस फ्लूड, एक होता है एक्स्ट्राविलस फ्लूड, प्लेसेंटा के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। तो इंट्राविलस स्पेस फ्लूड बोल सकते हो, स्पेस बोल सकते हो, तो इंट्राविलस स्पेस के अंदर जो आपका ब्लड रहता है वो आपका 350 ml रहता है प्लेसेंटा का, और बच्चा जो 150 ml है वो कहाँ रहता है, एक्स्ट्राविलस स्पेस के अंदर, प्लेसेंटा के एक्स्ट्राविलस स्पेस के अंदर। इन दोनों को अगर आप टोटल करोगे तो ये आएगा आपका 500 ml, कितना आएगा 500 ml। तो 500 ml प्लेसेंटा के अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है, और 500 ml 500 ग्राम ही इसका क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है।
है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं सारी की सारी, आई समझ में। और ये 500 ml ही क्या होता है, PPH के अंदर ब्लड लॉस होता है तब अपन उसको PPH मानते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि 500 का रेशियो चल रहा है। टाइडल वॉल्यूम जो होती है, टाइडल वॉल्यूम किसकी, लंग्स की, वो भी आपकी क्या होती है, 500 ml होती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें 500 के ऊपर थी जो मैंने आपको एक ही बार में, एक ही झटके में आपको बतानी चाहिए और बताई, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, ये MCQ समझ में आया सभी को, ओके फाइन। नेक्स्ट MCQ इसी प्रकार से है और बड़ा MCQ है ये भी। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, ये MCQ CHO में भी आया था और बार बार पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, इस MCQ को ध्यान से पढ़ना है और MCQ को पढ़ने के बाद में इसके लैंग्वेज को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में आंसर देना है। अब ये MCQ बहुत ख़तरनाक MCQ है, मतलब एक बात के, एक बार के लिए अपन माने ये बहुत मतलब रेयर कंडीशन वाला MCQ है, ठीक है, और आता ही है, हर एग्ज़ाम में आता है। पूछ क्या रहा है कि एक हितेश है, ए हितेश 38 साल का है, 38 साल का है हितेश, ठीक है, ओल्ड, हैविंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वो RTA का शिकार हुआ है, मान लो उसको रोड पे ट्रैफिक पे एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, रोड पे एक्सीडेंट हो चुका है, हैव हेड इंजरी, और उसके हेड में इंजरी हुई है, इंजरी इन हेड, ठीक है, ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम, और उसको इमरजेंसी रूम में लाया गया है, सेट द सिक्वेंस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट इन दिस क्लाइंट। अब सिक्वेंस सेट करने के पहले आप क्या करोगे, ऐसा नहीं कि सबसे पहले क्या करोगे, ऐसा नहीं पूछा है, सिक्वेंस सेट करो इसकी, तो पहले कौन सी प्रायोरिटी आएगी, फिर कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी, इस प्रकार से आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी है और वो आपको बताना है इसके MCQ के थ्रू। पहला लिखा है यहाँ पे चेक ब्रीथिंग, चेक रेस्पॉन्स, गिवन चेस्ट कंप्रेशन, क्लियरेंस ऑफ एयरवे एंड IV फ्लूड थेरेपी। तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे एज ए नर्स, ये पूछा है, पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे और फिर एंड में क्या करोगे, इस प्रकार से आपको सिक्वेंस सेट करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी गजब लिखे हैं, अगर एक ऑप्शन आपने पकड़ लिया तो पूरी की पूरी यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका आंसर सही से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है DACBE, फिर लिखा है BDACE, फिर लिखा है CDABE और फिर लिखा है ABCDE। तो आपको ABCD में से राइट आंसर देना है, क्या कौन सा यहाँ पे सीक्वेंस सेट बनेगा। तो आइए मिलकर सॉल्व करते हैं ऐसे MCQ को, एप्लीकेबल क्वेश्चन है यह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक ब्रीथिंग, तो याद रखना इमरजेंसी मैनेजमेंट जब भी आप करते हो प्यार दोस्तों, तब आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, विशेष ध्यान यह रखना है कि उसके हैंड इंजरी हुई है, ठीक है, हेड इंजरी हुई है, तो हेड इंजरी में क्या होता है कि मेडुला डैमेज हो सकता है, ये एक रेशनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडुला डैमेज होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा होता है ना वो, और मेडुला ओब्लोंगेटा क्या करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एयरवे को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, क्या पता वो सांस लेना बंद कर दिया उसने, तो एयरवे ओपन करोगे तो चली जाएगी इजीली, ठीक है, तो एयरवे ओपन करना सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। तो एयरवे जब आप क्लियर करोगे, एयरवे ओपन करोगे, फिर चेक ब्रीथिंग, ब्रीथिंग चेक सब कुछ बाद में, पहले एयरवे ओपन करना है अपन को, ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या बनेगी, एयरवे ओपन। ठीक है, तो एयरवे अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे सबसे पहले, फिर अपन क्या करेंगे, चेक रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कई ऑप्शन बैठ रहा है, आप चेक ब्रीथिंग और फिर यहाँ पे वापस पढ़ना है इस MCQ को एक बार, कि हितेश है, ओल्ड, 38 साल का है और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसका हेड इंजरी हुई है और उसको लाया गया है। यहाँ पे MCQ ने थोड़ा यहाँ पे करवट ली है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया कि ब्रोट यानी लाया गया है उसको, मतलब वो अनकॉन्शियस है, तो सबसे पहले उसका अपन क्या करेंगे, चेक रेस्पॉन्स, ये बी जो ऑप्शन है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो बी कहीं दिख रहा है आपको, ये बी, और फिर क्या आएगा आपका, डी, एयरवे फिर अपन क्लियर करेंगे, बिल्कुल ये सिक्वेंस ही बैठेगा अपना, ठीक है, फिर आएगा डी, फिर क्या आएगा, डी, डी ऑप्शन फिर बाद में आएगा, पहले अपन को रेस्पॉन्स चेक करना है कि बोलना आर यू ओके, अगर वो रेस्पॉन्स देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ तो फिर कुछ करना ही नहीं है, लेकिन अगर वो रेस्पॉन्स ही ना दे फिर आप एयरवे क्लियर करो, कि उसका एयरवे क्लियर करो, और फिर ए यानी चेक ब्रीथिंग, फिर आपको चेक करना है ब्रीथिंग को, ये ए,
और फिर आएगा आपका सी एन गिव चेस्ट कंप्रेशन। अगर उसका एयरवे भी कंप्लीट नहीं है तो फिर चेस्ट कंप्रेशन अपन को क्या करना है, देना है। और फिर एंड में आएगा आईवी फ्लूड। तो ई तो सब में एंड में लिखा हुआ है, तो अपन लास्ट वाले से तो पता नहीं कर सकते, तो इसीलिए फर्स्ट वाले को पकड़ना जरूरी था। तो एक बी अपन ने अगर पकड़ लिया तो सारे के सारे यहाँ पे निकल के आ गए आंसर। अपना आंसर होगा बी डी एस सी ई, यानी बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आया समझ में? तो पहली प्रायोरिटी कौन सी बनेगी यहाँ पे? पहली प्रायोरिटी बनेगी चेक रेस्पॉन्स, क्योंकि ब्रोट ब्रोट यानी है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। ब्रोट यानी लाया गया है, उसको किसी के द्वारा लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि अनकॉन्शियस है क्या है, लेकिन कभी कभार अनकॉन्शियस भी आता है लिखा हुआ, ठीक है। और फिर डी, डी यानी एयरवे क्लियर करोगे, फिर चेक ब्रीथिंग, ब्रीथिंग चेक करोगे, फिर चेस्ट कंप्रेशन और फिर आई वी फ्लूड अपन को देना है। नेक्स्ट एम सी क्यू है कि आपको जो ये इमेज दिख रहा है, फाइंड आउट इन दिस इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन को रिलेशन विद इन दिस इमेज, कौन सी जो कंडीशन है वो कोरिलेट कर रही है इस इमेज से। तो इमेज में क्या है, इमेज में एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर इस प्रकार से ये वाइट वाइट डॉट आपको दिख रहे होंगे इसके पूरे चेहरे पे, ये इस प्रकार से वाइट वाइट डॉट आपको दिख रहे होंगे। ये वाइट वाइट डॉट जो दिख रहे हैं ना, इसी के बारे में ये पूछ रहा है कि ये क्या है, ये क्या है। ये जो वाइट वाइट डॉट देख रहे हैं आपको छोटे छोटे इसके, ये क्या है, ऐसा पूछ रहा है एमसीक्यू। क्या ये लेनोगो है? लेनोगो क्या होता है? लेनोगो होता है फाइन डाउनी हेयर, फाइन फाइन डाउनी हेयर। फाइन डाउनी हेयर को अपन क्या बोल सकते हैं, लेनोगो बोलते हैं, ठीक है। वर्निक्स केशुओसा किसको बोलते हैं? तो वर्निक्स केशुओसा जो होता है वो वाइट चिजी लेयर, वाइट चिजी लेयर ऑन बॉडी, ऑन बॉडी बेबी की बॉडी पर, ठीक है। बेबी की बॉडी पर वाइट जो चिजी लेयर होती है उसको वर्निक्स केशुओसा बोलते हैं। और हाइड्रोसिप्लस क्या होता है? हाइड्रोसिप्लस में तो हेड बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, और सेटिंगसन आई हो जाती है, ठीक है। हेड बड़ा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है सीएसएफ का या फ्लूड का, ठीक है। ये वाली कंडीशन हाइड्रोसिप्लस कहलाती है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेनोगो भी नहीं होगा। ये है मीलिया। क्या है ये? मीलिया। तो राइट आंसर अपना क्या बन जाएगा यहाँ पे प्यारे दोस्तों? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, वाइट डॉट जो पिन पॉइंट डॉट दिख रहा है आपको, ये मीलिया है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि स्वेट क्लोराइड टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट के ऊपर से एमसीक्यू पूछा है और इसका आंसर भी आपको अच्छे से देना है कि स्वेट क्लोराइड टेस्ट जो है विल बी पॉजिटिव, शुड रीडिंग रिप्रेजेंट रिजल्ट पॉजिटिव। अब आपको ये पूछा है कि रिजल्ट पॉजिटिव आप कब मानोगे, ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव कब मानोगे, नेगेटिव कब मानोगे, ऐसा पूछा है। ये आपको बताना है स्वेट क्लोराइड टेस्ट के ऊपर से। ए बी सी डी, लेस देन 40, मोर देन 40, लेस देन 60 एम जी पर डी एल और मोर देन 60 एम जी पर डी एल। लेस देन और मोर देन ही लिखा है। तो प्यार दोस्तों, स्वेट जो क्लोराइड टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, पहले तो ये अपन को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्वेट क्लोराइड जो टेस्ट है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट जो है वो किया जाता है आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। किसके लिए किया जाता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। और इसकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में रीडिंग पूछी जाती है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो उसके ऊपर से। तो मान लो अगर ये टेस्ट का जो रिजल्ट है वो मोर देन 60 आया,
ठीक है, और 90 से कम आया, ठीक है, 90 से तो कम, और मोर देन 60 तो उसको कन्फर्म है, और कन्फर्म क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मान सकते हैं अपन, क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट है। नेक्स्ट अपन को देखने को मिलता है 30 से लेकर 60 वाली रेंज, 30 से 60 अगर मिली एमजी पर डीएल के अंदर या मिली मोल पर एमएल के अंदर आ रहा है अगर, ठीक है, तो ये जो टेस्ट है वो अनक्लियर डायग्नोसिस होता है, अनक्लियर डायग्नोसिस मान सकते हो, मतलब 30 से 60 के बीच में अपन स्वेट क्लोराइड यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस पॉजिटिव नहीं बोल सकते, ठीक है, 60 के ऊपर आएगा तभी सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसको, मतलब तभी बच्चे के अंदर साल्टी टेस्ट फेल होगा अपन को, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये भी है अपन को पास में बात आ गई। तीसरी बात आती है आपके 30 से कम, अगर 30 से कम आ रहा है इसका लेवल, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, सॉरी यहाँ पे क्लोराइड का लेवल जो है वो अगर 30 से भी कम आ रहा है, 30 एमजी पर डीएल से भी कम आ रहा है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस अनलाइकली है, मतलब ये सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है, इसको अपन नेगेटिव भी बोल सकते हैं, इसको अपन पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, और इसको अपन डाउटफुल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डाउटफुल। अब यार 30 से 60 के बीच में रेंज आ रही है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, और 30 है, 30 से कम है, ठीक है, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और 30 से ज़्यादा है तो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसका सीधा सा मेन ये है, और साल्टी बेबी इसको बोल सकते हैं, पर अगर मान लो 60 से ज़्यादा आ रहा है तो साल्टी बेबी बोलेंगे, उस बेबी को क्या बोलेंगे, साल्टी बेबी, क्योंकि उसके अगर मान लो जब मदर उसको किस करेगी तो उसके अंदर साल्टी टेस्ट फेल होगा, ठीक है, इसीलिए इसको साल्टी बेबी भी बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आई लालो। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछ रहा है कि पॉजिटिव कब बोलेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पॉजिटिव रिजल्ट कब बोलेंगे, तो पॉजिटिव रिजल्ट लेस देन 40 पे तो नहीं बोल सकते, मोर देन 40 पे जरूर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रेंज है कि 60, और 60 दिया हुआ है तो लेस देन 60 भी नहीं होगा, मोर देन 60, डी आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पॉजिटिव रिजल्ट पूछा है आपको, तो 60 से ज़्यादा होगा यहाँ पे तो अपन क्या मान लेंगे, इसको पॉजिटिव रिजल्ट है स्वेट क्लोराइड टेस्ट का। यह बात समझ में आई प्यार दोस्तों। नेक्स्ट एमसीक्यू ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, कोशिश पूरी होगी कि अच्छा पढ़ाने की यहाँ पे पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइव क्लीन टेक्निक, फाइव क्लीन की जो टेक्निक है जो आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर कौन सा नहीं है इसमें से, ठीक है, तो ये पूछा है। तो भाई साहब इसके अंदर पूछ कह रहा था कि फाइव क्लीन टेक्निक आपको बतानी थी, और फाइव क्लीन टेक्निक के अंदर जो चीज़ें आएगी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो है कि क्लीन सरफेस तो होगा, ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, इसको अपन बाहर नहीं कर सकते, तो नोट में पूछा है सवाल, ठीक है, क्लीन सरफेस होगा। फिर आपके आता है क्लीन क्लैंप भी होता है, क्लीन हैंड भी होता है, और इसके साथ में क्या होता है, क्लीन कटिंग, एक तो क्लीन कटिंग होता है, एक क्या होता है, क्लीन पेरिनियम, और एक और क्लीन होता है, वो कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है, और नहीं बता पाओ तो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, तो ये है आप 6 क्लीन हो गए इसीलिए, और 5 क्लीन पहले का आंसर है, ये पहले पूछा हुआ एमसीक्यू है इसीलिए मैंने बताया आपको, तो बी आपका राइट है, क्लीन क्लॉथ नहीं होता है, क्योंकि क्लॉथ कहाँ क्लीन करोगे, वहाँ पे पहले से क्यों इतनी ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो वो क्लॉथ क्लीन का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं हो सकता वहाँ पे, ठीक है, तो ये है क्लीन सरफेस, क्लीन क्लैंप, क्लीन हैंड, क्लीन कटिंग, क्लीन यहाँ पे पेरिनियम, ठीक है, सुचुरिंग, मतलब पेरिनियम का मतलब सुचुरिंग भी क्लीन करना अपन को, ठीक है। नेक्स्ट क्या, आप एक बार ये देख लीजिए, आप ये पूरा यहाँ पे चार्ट है कि 6 क्लीन मेथड है WHO के अकॉर्डिंग, नया जो सेफ स्ट्रेटजी आई है ना, नई जो स्ट्रेटजी उसके अनुसार है ये, तो उसके अनुसार है, तो उसके अनुसार अपन यहाँ पे अच्छा सा कर देते हैं इसको भी।
ये देख सकते हैं आप, तो इस प्रकार से यह है। तो पहला यहाँ पर क्लीन क्या है, पहला पहला क्लीन अगर आप देखोगे क्लीन हैंड, क्या है क्लीन हैंड, और क्लीन मदर, दूसरा क्या है क्लीन मदर। पहला तो है क्लीन हैंड, फिर है दूसरा क्लीन मदर, तीसरा जो क्लीन है वो है क्लीन यहाँ पे क्या है डिलीवरी सरफेस, यानी सरफेस क्लीन होनी चाहिए, और चौथा क्लीन है क्लीन कॉर्ड कटिंग, ये कॉर्ड कटिंग भी क्या होनी चाहिए क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। और फिर है क्लीन कॉर्ड टाइंग, टाइंग यानी टाई करना, बांधना मतलब क्लैंप करना, तो क्लैंपिंग भी क्या होनी चाहिए क्लीन होनी चाहिए, ये भी है। और क्लीन कॉर्ड केयर, ये कॉर्ड केयर भी क्या होनी चाहिए क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। तो एक सेल्फी ले लेना सब जने, ताकि वो सेल्फी से आप लिख सको आराम से इस क्लास को, वापस क्लास के बाद में, क्लास फिनिश हो जाए उसके बाद में लिख सको, और लिखने के बाद में उसको क्या करना है अपने दिमाग में भी उतारना है। तो सेल्फी ले लीजिए इसकी, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। क्लीन हैंड, क्लीन मदर, मदर भी क्लीन होनी चाहिए, अब यह मदर वाला अभी जोड़ा नया, ठीक है, बाकी सारे यही थे पहले वाले। तो क्लीन डिलीवरी सरफेस, क्लीन कॉर्ड कटिंग, क्लीन कॉर्ड टाइंग एंड क्लैंपिंग, और क्लीन कॉर्ड केयर। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस प्रकार से है कि पूछ क्या रहा है, एमसीक्यू क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल फॉलोइंग इन केस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, यहाँ पे पूछा है पोस्टपार्टम हेमरेज में कौन सा रूल आप फॉलो करोगे, इम्पोर्टेंट है ये भी एमसीक्यू। रूल ऑफ नाइन, ये आता है आपके बर्न में यूज, किस में आता है बर्न में, तो बर्न वाले में पेशेंट के अंदर रूल ऑफ नाइन का यूज किया जाता है, और रूल ऑफ टेन का यूज क्लैप्ट लिप की सर्जरी में किया जाता है, क्लैप्ट पैलेट और क्लैप्ट लिप की सर्जरी में रूल ऑफ टेन का यूज किया जाता है, ठीक है। और रूल ऑफ यहाँ पे 30 है और रूल ऑफ 15 है, अब बताओ इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा, दो ऑप्शन आप सभी के सामने, रूल ऑफ 50 और रूल ऑफ 30। तो ये जो आंसर है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, और बहुत बड़ा टाइम दे देता हूँ आपको 24 घंटे का, ठीक है। तो 24 घंटे का टाइम है आप सभी के सामने, और कल रात को 8:30 इसी टाइम पर अपन ये एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और इसकी पूरी की पूरी अपन यहाँ पे छानबीन करके और पूरा एमसीक्यू आपके सामने उजागर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। किसी ने क्या खूब कहा है कि बर्फ़ को पानी में बदलने में भी वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है, थोड़ा और जोर लगा, कोशिश कर, हिम्मत कर, क्योंकि किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में भी थोड़ा वक्त लगता है। इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में इस एमसीक्यू का जवाब अगर आपको आता है तो कमेंट में पुट एक कमेंट जरूर करना और उसमें आंसर जरूर लिखना, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।